ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी और ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुँचाए आपका प्यार। मनरेगा योजना के लिए केंद्र से मिलने लगा खुला पैसा, इस वर्ष प्रदेश ने जितना मांगा केंद्र ने उतना दिया धन, पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने की पुष्टि। सुंदरनगर में तेज रफ्तार की चपेट में आया बाइक पर सवार दंपति, घटना में महिला की मौके पर हुई मौत। नालागढ़ में लुटेरों ने दिन दहाड़े लूट को दिया अंजाम, 2,50,000 सरकारी कैश से भरा बैग उड़ा ले गए लुटेरे। और क्यूबा के महान कम्युनिस्ट फिदेल कास्ट्रो के निधन पर शोक सभा का किया गया आयोजन, जिला भर से आए कम्युनिस्टों और अन्य लोगों ने लिया भाग। क्यूबा के महान कम्युनिस्ट फिदेल कास्त्रो के निधन के बाद विश्वभर में शोक की लहर देखने को मिल रही है। फिदेल कास्त्रो के निधन पर कम्युनिस्ट विचारधारा वाले लोगों को गहरा आघात पहुंचा है। फिदेल कास्त्रो को श्रद्धांजलि देने के लिए मंगलवार को होटल आयरन बेंगलो में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा का आयोजन कम्युनिस्ट पार्टियों की तरफ से किया गया था, जिसमें कम्युनिस्टों के अलावा अन्य लोगों ने भी भाग लिया। सभी ने फिदेल कास्त्रो की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही 2 मिनट का मौन भी रखा गया। कामरेड देशा शर्मा ने बताया कि फिदेल कास्त्रो ने जो कार्य किए हैं उन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकता। उन्होंने कहा कि फिदेल कास्त्रो सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत थे और उनके निधन से विश्वभर को भारी नुकसान पहुंचा है। फिदेल कास्त्रो अमर हैं, अमर रहेंगे और उनके अवदान को, उनके योगदान को दुनिया के क्रांतिकारी हमेशा याद रखेंगे, उससे प्रेरणा ग्रहण करते रहेंगे। हम जो विभिन्न दलों के और संगठनों के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं उनको अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको अपना आखिरी क्रांतिकारी अभिनंदन पेश करते हैं और ये शपथ लेते हैं कि उनके द्वारा बताए हुए रास्ते पर अडिग होकर के तमाम कठिनाइयों के बावजूद चलते रहेंगे और उनके जो सपने हैं उनको पूरी दुनिया में साकार करने की वचनबद्धता के साथ उनको हम फिर से शोकांजलि, अपनी पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और उनके ध्येय को आगे बढ़ाने का संकल्प व्यक्त करते हैं। इस दौरान शोक सभा में आए हुए लोगों ने फिदेल कास्त्रो के बताए मार्ग पर चलने का भी संकल्प लिया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। वार्षिक समारोह का दिन विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन होता है, जिसमें उनके पूरे साल की उपलब्धियों तथा कार्यकलापों पर उन्हें सम्मानित किया जाता है। ये बात सीपीएस सोनलाल ठाकुर ने राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुंदरनगर के वार्षिक समारोह की अध्यक्षता करते हुए कही। मुख्य संसदीय सचिव सोनलाल ठाकुर ने राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुंदरनगर के वार्षिक समारोह की अध्यक्षता की तथा मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर सोनलाल ठाकुर ने कहा कि वार्षिक समारोह का दिन विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन होता है, जिसमें उनके पूरे साल की उपलब्धियों तथा कार्यकलापों पर उन्हें सम्मानित किया जाता है। उन्होंने विद्यार्थियों का आह्वान किया कि वे शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक तथा खेलकूद गतिविधियों में सक्रिय रूप से भागीदारी सुनिश्चित करें, ताकि उनके सर्वांगीण विकास के साथ साथ वे भविष्य में आने वाली चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए सक्षम हो सके। उन्होंने स्कूल का परिणाम इस वर्ष 10.2 के वाणिज्य में 95% तथा साइंस में 91% रहने पर अध्यापकों तथा अभिभावकों को बधाई दी। उन्होंने इस बात पर भी प्रसन्नता व्यक्त की कि स्कूल की 7 लड़कियों का हॉकी तथा 1 लड़की का कबड्डी की राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में एवं स्कूलों में जो अन्य गतिविधियां रहती हैं उसके तहत उनको सम्मानित किया जाता है और इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरी साल भर का लेखा जोखा प्रस्तुत होता है स्कूल के द्वारा और स्कूल के स्टाफ के लिए भी ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये दर्शाता है उनकी साल भर की गतिविधियों को जो स्कूल में रही है। तो आज का ये कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, इसके लिए मैं यहाँ के प्रिंसिपल महोदय को बधाई देता हूँ, क्योंकि इस स्कूल की छात्राएं खेलकूद प्रतियोगिता में उन्होंने राज्य स्तर पे कुछ विशिष्ट मेहमानों के पार्टिसिपेट किया है और कुछ लड़की राष्ट्रीय स्तर पर खेल कबड्डी में पार्टिसिपेट कर रही है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और एकेडमिक्स में भी 95 रिजल्ट रहा है इस स्कूल का कॉमर्स के लिए और
साइंस में भी ये 93% है, जो कि बहुत सराहनीय है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारा स्कूल प्रबंधन आइंदा भी इसी तरह का काम इस विद्यालय में करेगा। उन्होंने राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुंदरनगर की चार दीवारी के लिए 1,50,000, स्टेज की सीलिंग के लिए 50,000, रसोई घर के लिए 50,000 तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए अपनी ऐच्छिक निधि से स्थानीय स्कूल को 11,000 रुपए देने की घोषणा की। स्कूल के प्रधानाचार्य यादविंदर शर्मा ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया तथा स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। डायरेक्टरेट स्टेट लेवल नोडल द्वारा उपायुक्त सभागार में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें स्टेट लेवल के टेक्निकल एक्सपर्ट व डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा समस्त जिला मंडी के WTTs को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अपने इंटरेस्ट हो सकते हैं या हो सकता है अज्ञानता वश है, जो कि उसको डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि पानी है, पानी हमारा सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट वाटर डेवलपमेंट एजेंसी मंडी के द्वारा 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जो कि डायरेक्टरेट स्टेट लेवल नोडल एजेंसी जो IWMP के उनके द्वारा आयोजित की जा रही है। इसमें हमारे स्टेट से टेक्निकल एक्सपर्ट्स और डाटा एंट्री ऑपरेटर्स आए हैं, जिनके माध्यम से हमारे जो WDTs हैं समस्त जिला मंडी के, हर ब्लॉक में हमारे WDTs हैं, इसी तरह कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के जो WDTs हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें EFMS प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, दृष्टि सृष्टि जो सॉफ्टवेयर है और EDPAC के बारे में जानकारी दी जाएगी। क्योंकि हमारा जितना भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटर डेवलपमेंट कंपनी, जिसकी जो पहले स्कीम का नाम IWMP कहा जाता था, उसकी एंट्री ऑनलाइन ही होगी, तो इस जो PFMS है इसके माध्यम से जितने भी अकाउंटिंग प्रोसेस हैं, ट्रांजेक्शन्स हैं, पंचायत लेवल की चाहे ब्लॉक लेवल की या डिस्ट्रिक्ट लेवल की, वो टोटली PFMS के द्वारा एंट्री की जानी, जो कि हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटर ब्लॉक लेवल के और डिस्ट्रिक्ट लेवल के द्वारा की जाएगी। और PFMS में प्रोजेक्ट किस गति से चल रहा है उसको ये सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम में एंट्री होनी। भारत पेट्रोलियम ने हिमाचल प्रदेश में मिनी गैस सिलेंडर योजना का मनाली से विधिवत शुभारंभ किया। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष गजेंद्र ठाकुर ने इसकी विधिवत शुरुआत की। गजेंद्र ठाकुर ने मनाली में इस योजना का शुभारंभ करने पर भारत पेट्रोलियम का आभार जताया तथा होटलों के लिए ये योजना शुभकारी बताई। गजेंद्र ठाकुर ने होटल वालों की यथासंभव मदद करने के लिए भारत गैस के वितरक देवेंद्र नेगी का आभार जताया और उनके द्वारा उपभोक्ताओं को दी जा रही सेवाओं की सराहना की। उन्होंने बताया कि मिनी सिलेंडर की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में मनाली से की जा रही है। 5 किलो गैस से भरे इस सिलेंडर को पहली बार लेने के लिए ग्राहक को 1,218 रुपए खर्च करने होंगे, जबकि गैस भरने का दाम 300 रुपए रहेगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है, 5 किलो के सिलेंडर दूर दराज के क्षेत्रों में ले जाने में उन्हें आसानी होगी। निश्चित तौर पर जब हम पीछे देखते हैं तो मुझे अपने सेव के समय याद आता, सीजन में कि हम गैस जलाते थे और बुझता जाता था, कभी मेटल फट जाता था, तो उसके बाद थोड़े दूसरे प्रोडक्ट आए, लेकिन समय परिवर्तन के साथ साथ बड़े सिलेंडर भी आए, लेकिन इनका खाना मुश्किल था। और ये निश्चित तौर पर जो हमारे टूरिज्म ट्रेड हैं उसके लिए बहुत ही लाभकारी है। इस मौके पर भारत गैस एजेंसी मनाली के संचालक देवेंद्र नेगी ने कहा कि अब होटल, ढाबे और छोटा व्यवसाय चलाने वाले दुकानदारों को दिक्कतें नहीं होंगी। इस सिलेंडर को वे कमर्शियल रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूर दराज के लोगों को मिनी सिलेंडर को लाने ले जाने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि भारत गैस मनाली में बेहतरीन सेवाएं देने के लिए प्रयास कर रही है। इससे पहले मनाली गैस एजेंसी के प्रभारी नितिन नेगी ने सभी मेहमानों का कुल्लवी परंपरा के अनुसार स्वागत किया और कार्यक्रम में आने पर सभी का आभार जताया। इस अवसर पर होटल संचालकों सहित टैक्सी, वॉल्वो, लग्जरी और ऑटो संचालकों सहित विभिन्न संगठनों के लोग मौजूद रहे। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट।
यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल इम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर ना कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल इम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। मित्र योजना के तहत अब सूबे में बिजली बिलों की जानकारी उपभोक्ताओं को एसएमएस और ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। इसके अलावा बिजली कटों की जानकारी भी उपभोक्ताओं को अब एसएमएस और ईमेल के माध्यम से ही दी जाएगी, जिसके लिए उपभोक्ताओं से बिजली बोर्ड द्वारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मांगी जाएगी। इसके अलावा एसएमएस और ईमेल के माध्यम से उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान भी किया जाएगा। उपभोक्ताओं के मोबाइल और ईमेल आईडी पर बोर्ड की ओर से तुरंत हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। इस सुविधा का फायदा उठाने के लिए उपभोक्ताओं को नाम, पता, खाता नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी विद्युत उपमंडल में जमा करवानी होगी। विद्युत बोर्ड निदेशालय ने सभी जिलों के अधिकारियों की योजना के तहत उपभोक्ताओं की जानकारी एकत्र करने के निर्देश जारी किए हैं।
इससे अब प्रदेश भर में बिजली कट की जानकारी उपभोक्ताओं को अब SMS और ईमेल के माध्यम से मिल पाएगी। हालांकि बोर्ड के कर्मचारी हर घर में बिजली बिल देने जाएंगे। जब प्रदेश में सभी उपभोक्ताओं का डाटा एकत्र कर लिया जाएगा तब बोर्ड पेपरलेस वर्क के लिए ऊर्जा मित्र योजना को प्राथमिकता दे सकता है। इससे पेपरलेस वर्क को भी बढ़ावा मिल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। मंत्रिमंडल से हिमाचल प्रदेश मूल्यवर्धित कर नियम 2005 के संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। संशोधन के तहत अब ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए मंगाए गए माल पर ट्रांसपोर्ट कंपनियों को 5% टैक्स चुकाना होगा। इसके लिए उन्हें स्थानीय AETC कार्यालय में पंजीकरण कराना होगा। टैक्स लगने के बाद प्रदेश में ऑनलाइन शॉपिंग महंगी हो जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि माल परिवहन करने पर लगने वाले टैक्स को कंपनियां अपने ग्राहकों से वसूल करेंगी। बता दें कि अभी तक ऑनलाइन सामान पर कोई नियंत्रण व टैक्स न लगने के चलते हिमाचल प्रदेश को राजस्व का काफी नुकसान हो रहा था। इसके अलावा स्थानीय व्यापारियों के लिए भी दिक्कतें सामने आ रही थी क्योंकि व्यापारियों को बैट चुकाना पड़ रहा था और हिमाचल का बैट कई राज्यों से ज्यादा है। इसके चलते स्थानीय दुकानदारों का माल ऑनलाइन साइटों से महंगा था। इसके चलते व्यापारी भी लंबे समय से ऑनलाइन सामान पर टैक्स लगाने की मांग कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। पर्यटन नगरी डलहौजी में स्थित स्केट हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डलहौजी में प्रिंसिपल सिस्टर मैरी की अध्यक्षता में प्री क्रिसमस पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर स्कूल को व स्कूल के प्रांगण में क्रिसमस ट्री भव्य रूप से सजाया गया था। नन्हे नन्हे स्कूली बच्चों ने मदर मैरी, फादर राजा, क्रिसमस ट्री, बेबी जीसस, सांता क्लॉज आदि की वेशभूषा धारण कर स्कूल के पूरे वातावरण को क्रिसमस के रंग में रंग दिया। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किए। बच्चों ने द क्रिसमस पर आधारित एक नाटक की प्रस्तुति भी दी। नाटकीय प्रस्तुति को देखकर उपस्थित बच्चे व अध्यापक खुशी से झूम उठे और पूरा प्रांगण ताली की गड़गड़ाहटों के साथ गूंज उठा। नाटक की शुरुआत प्रभु यीशु मसीह के जन्म से हुई। नाटक में बच्चों ने प्रभु के विभिन्न लीलाओं को दर्शाया। वहीं इस अवसर पर स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर मैरी ने कहा कि आज स्कूल में क्रिसमस पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। विद्यार्थियों ने क्रिसमस डे पर आधारित बहुत ही आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर केक भी काटा गया और सभी विद्यार्थियों को चॉकलेट बांटी गई। सिस्टर मैरी ने सभी को क्रिसमस डे और नए साल की बधाई दी। Was charged with the cheer and merry mood. The prominent item was the tableau enacted by the students on the birth of our Lord Jesus Christ, the King of Peace, the Savior. The appearance of a host of angels, shepherds, and three kings added color to the event. The beautiful message given by Reverend Sister Stella, the manager, was the climax of the event. Dances, songs, were also highlighted the celebration. At the end, Christmas cake was cut and the chocolates were given to every student. And indeed, it was a mesmerizing day for all of us, the Sacred Heartians. And we wish all of you a very, very happy Christmas and a very joyful New Year. Thank you. इस अवसर पर केक भी काटा गया और सांता बने बच्चों ने सभी विद्यार्थियों को टॉफियां व चॉकलेट बांटे। क्रिसमस पर्व की थीम पर बच्चों द्वारा आकर्षक कार्ड बनाकर बांटे गए। कार्यक्रम के दौरान स्कूल की प्रबंधक सिस्टर स्टेला ने बच्चों को क्रिसमस पर्व के महत्व के बारे में बताया और क्रिसमस डे व नव वर्ष की बधाई दी। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।